हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसियां लेके आया हूं, जो कि यहां पे आईटीआई डिप्लोमा और बीई बीटेक स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंड्स रहेंगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे देख पा रहे हैं, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंडर आपकी जो टोटल अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी रहेंगी और टोटल आईटीआई डिप्लोमा और बीई बीटेक सभी की वैकेंसी को ऐड करके 230 वैकेंसी फ्रेंड्स आपकी यहां पे रहेंगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो चुकी है और इसके फ्रंट अंडर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो अब इसके अंदर फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका फ्रेंड्स आपको यहां पे मिल रहा है इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आपने अपनी आईटीआई का डिप्लोमा डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में कर रखा है, या फिर डिप्लोमा कर रखा है, या फिर बीई बीटेक मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल में कर रखी है, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आपकी आईटीआई का डिप्लोमा किस में होना चाहिए, बीई बीटेक कौन सी ब्रांच में आपने की होनी चाहिए। साथ में आपको यहां पे स्टाइफन भी काफी अच्छा मिल रहा है, तो कितना स्टाइफन आपको मिलेगा और डिटेल्ड में आपका एजुकेशन और एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और आपकी जो सिलेक्शन है फ्रेंड्स वो आपकी किसके बेसिस पे रहेगी, कंप्लीट जो प्रोसेसेस हैं इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, वो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम ओपन कर लेते हैं। तो आपको यहां से इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्टली मिल जाएगी और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स डायरेक्टली दे दूंगा। तो यहां पे हम ओपन कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो आपकी यहां पे एसजेवीएन लिमिटेड के अंडर वैकेंसियां रहेंगी 230 ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, उसके बाद आपकी टेक्निकल और उसके बाद आईटीआई। तो यहां पे केवल वही स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जिनका डोमिसाइल यानी कि जिनका स्टेट सब्जेक्ट हिमाचल प्रदेश का है। वही स्टूडेंट्स यहां पे इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के अंडर यहां पे आपकी जो डिग्री है फ्रेंड्स वो आपकी कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए 31 दिसंबर 2019 तक इन ब्रांचेस के अंडर। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल की 20 पोस्ट रहेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की एक ही पोस्ट यहां पे रहेगी, इलेक्ट्रिकल की 30 रहेंगी, सिविल की 40 रहेंगी। तो जिस भी ब्रांच में आपने डिग्री कर रखी है वो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर आपने उस ब्रांच में डिग्री कर रखी है जो यहां पे मेंशन की गई है तो आप यहां पे बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल आर्किटेक्चर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रखा है तो भी आप यहां पे फ्रेंड्स टेक्नीशियन अप्रेंटिस के अंडर एलिजिबल रहेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर आपने आईटीआई कर रखी है इन ब्रांचेस में, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन में या फिर ऑफिस सेक्रेटरशिप में या फिर स्टेनोग्राफरी में या फिर ऑफिस असिस्टेंट में या फिर ऑफिस मैनेजमेंट में, तो फ्रेंड्स अगर आपने इन ट्रेड्स में से किसी भी ट्रेड में अपनी आईटीआई कर रखी है तो आप इसके अंडर एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स आईटीआई अप्रेंटिस के अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहां पे अगर आपकी डिग्री डिप्लोमा या फिर आईटीआई का डिप्लोमा आपने कर रखा है तो इस मौके को मिस ना करें फ्रेंड्स, जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लें अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एज आप यहां पे देख सकते हैं 31 दिसंबर 2019 तक आपकी जो एज है वो फ्रेंड्स काउंट की जाएगी। आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो एज है 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एससी एसटी या फिर दिव्यांग कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे रिलैक्स सेक्शन रहेगा, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का और दिव्यांग कैंडिडेट को 10 साल तक का फ्रेंड्स अपर एज लिमिट के लिए रिलैक्स सेक्शन रहेगा। उसके बाद स्टाइफन आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल की जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी इसमें आपको स्टाइफन ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यानी कि डिग्री वाले स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए महीने का मिलेगा, डिप्लोमा होल्डर वालों को 8,000 महीने का मिलेगा और आईटीआई वालों को 7,000 रुपया फ्रेंड्स महीने का मिलेगा। तो काफी अच्छे यहाँ पे स्टाइफन की जो स्कीम्स यहाँ पे रखी है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे फ्रेंड्स आपको स्टाइफन यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद आप यहां पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया देख सकते हैं, सिलेक्शन में आपको कोई भी इंटरव्यू यहां पे कंडक्ट नहीं होगा। यहां पे आप देख सकते हैं वेटेज आपके कौन कौन सी 10th 12th और डिप्लोमा में कितनी कितनी फ्रेंड्स दी जाएगी। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस में आप यहां पे देख सकते हैं 20% की वेटेज 100 में से 10th क्लास में दी जाएगी,
20% वेटेज आपके 12th या फिर डिप्लोमा में दी जाएगी। अगर आपने 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किया हुआ तो 20% आपकी वेटेज डिप्लोमा को दी जाएगी, और उसके बाद आपने डिग्री कर रखी है तो आपकी 60% जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री को फ्रेंड से दी जाएगी। डिप्लोमा में आप देख सकते हैं 30% दसवीं को और 70% आपके डिप्लोमे को, और आईटीआई में 30% आपकी दसवीं को और 70% आपकी आईटीआई को फ्रेंड्स वेटेज दी जाएगी टोटल 100 में से। तो जितने फ्रेंड्स आपने यहाँ पे हायर मार्क्स अपने स्कोर कर रखे हैं दसवीं बारहवीं और अपने डिप्लोमे या फिर डिग्री में, उतने मैक्सिमम चांसेस आपके यहाँ पे सिलेक्शन के लिए फ्रेंड्स रहेंगे। तो जो भी आपका ओवरऑल यहाँ पे 20% दसवीं को, 20% बारहवीं को, 60% आपकी डिग्री को वेटेज दी जाएगी, उसके बेसिस पे आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकलेगी। उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, और उसके बाद आपकी फ्रेंड्स एक साल की जो आपकी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है वो फ्रेंड्स आपकी शुरू हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा जिसमें आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। आपने अपनी दसवीं बारहवीं और इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा में जो मार्क्स को स्कोर कर रखा है केवल उन्हीं के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन रहेगी। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको यहां पे 100 रुपीज फीस भी पे करनी है। लिंक मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। वहां पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करना है और 100 रुपीज फीस भी पे करनी है अगर आप SC ST या फिर दिव्यांग कैंडिडेट्स नहीं है। और SC ST दिव्यांग कैंडिडेट को कोई भी फीस पे नहीं करनी है स्कैनर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और 31 दिसंबर 2019 को फ्रेंड्स आपकी लास्ट डेट रहेगी स्कैनर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म को आप अपने मोबाइल से फ्रेंड्स फिलअप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था लेटेस्ट अपडेट जो आपकी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंडर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली है 230 ITA डिप्लोमा और BE BTech वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, एजुकेशन और एज का डिटेल में क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। थैंक यू फ्रेंड्स।